पप्पू यादव कैसे उसकी हेकड़ी निकालता है। साला निकम्मा बदतमीज नालायक जानवर कुत्ता। मंगल पहुंच गई अदित से मिलने जेल में और यहाँ पर भाई अदित बहुत गुस्सा कर रहा है क्योंकि अदित को पता लग गया कि मंगल नहीं वो पैसे लिए थे जिसकी वजह से वो जेल के अंदर है। अब ये पैसे तो पप्पू के थे ना, जिसको भाई पैसे उसको लौटाने थे यहाँ पर 1,00,000 रुपए, लेकिन यहाँ ऑपरेशन के लिए भी पैसे चाहिए थे मंगल को। अदित फोन नहीं उठा रहा था तो यहाँ मंगल को ये सब करना पड़ा। अब ये बंद करो अपनी पति को गालियां दे देगी। तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तुमने मुझे फोन किया था ना, तुमने रिक्वेस्ट की थी ना कि मैं तुम्हारे पति का केस वापस ले लूं। ये सारी चीजें सुनकर ना बहुत गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर उसके हाथ वाथ पकड़ के उसको बहुत गुस्सा कर रहा है, उस पर चीख रहा है। और ये सारी चीजें ना लक्ष्मी और कार्तिक को नहीं अच्छी लग रही है। यहाँ पर लक्ष्मी बोलती भी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आदित उसी को चुप करा देता है और बोलता है कि तुम हमारे बीच में नहीं बोलो और बोलो, सच बोलो। अरे नाटक ही करना था तो कम से कम नाटक तो अच्छे से कर लिया होता। चंगा ना, एकदम चंगा ना। मुझे भाई अब बहुत पछतावा हो रहा है मंगल तुमसे शादी करके, और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ये सारी चीजें सुनकर ना मंगल बुरी तरीके से टूट गई है। वैसे भी हम एक प्रोमो देख रहे थे ना नया वाला, जिसमें आ रहा है कि यहाँ पर आदित्य और मंगल एक दूसरे से बात कर रहे हैं रोड पर, और मंगल को उसने इतनी बुरी तरीके से डांट। देख निकल, हाथों पर बोलो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हम आपका बुरा नहीं चाहते, हम तो बस अदित जी को बचाना चाहते हैं। वैसे भी हम एक प्रोमो देख रहे थे ना नया वाला, जिसमें आ रहा है कि यहाँ पर आदित्य और मंगल एक दूसरे से बात कर रहे हैं रोड पर, और मंगल को उसने इतनी बुरी तरीके से डांटा है, उसको बोला है कि अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता नहीं हूँ, तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। और यहाँ पर मंगल एकदम गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन लक्ष्मी बचा लेगी। तो ये असली सोने के कड़े हैं, आप इन्हें रख लीजिए, 1,00,000 से भी ज्यादा के होंगे, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, लेकिन आदित्य जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैडम जी, इस पप्पू यादव के बिन इतने खराब नहीं आए। अब देखेंगे यहाँ पर जब लक्ष्मी बचाएगी तो मंगल की क्या नई शुरुआत होगी, क्या मंगल यहाँ पर एक नए रूप में आएगी, ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन भाई अभी तो यहाँ पर आदित्य जेल में है और यहाँ पर मंगल कोशिश कर रही है किसी तरीके से बाहर निकाल दूं। वहीं भाई सोमिया भी पहुंच जाती है आदित्य से मिलने, और यहाँ पर सोमिया को देख के तो बड़ा खुश वगैरह हो रहा है और बोल रहा है कि मेरे को किसी वकील के थ्रू ना यहाँ से बेल करवाओ, नहीं तो भाई मुझे 3 दिन बंद रहना पड़ेगा क्योंकि सैटरडे संडे है और बीच में एक छुट्टी भी है, तो अब मैं 3 दिन जेल के अंदर नहीं बंद रह सकता। और वो मंगल की बात सारी बता देता है सोमिया को, तो सोमिया और उसको भड़कारी है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं आदित्य और सोमिया मिलके, क्या ये दोनों शादी कर लेंगे और मंगल का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, या फिर मंगल एक अपने नए रूप में आएगी और यहाँ पर सोमिया और आदित्य से लेगी बदला, क्योंकि भाई मंगल अभी बुरी तरीके से टूट गई है और आदित्य ने उसको इतनी बेइज्जती की है यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी, और वैसे भी वो नॉर्मली बहुत बेइज्जती करता है ना, उसको कुछ समझता ही नहीं है, उसको अपनी कैटेगरी का मानता ही नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मंगल अब अपने पैरों पर खड़ी हो और उसका एक नया रूप देखने को मिले।